हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है आपका कुकिंग विद हलवाई में। तो आज चलिए एक मिठाई, एक यूनिक मिठाई बना रहे हैं अपने पसंद की, तो जो आप मार्केट में नहीं मिलता ये मिठाई। और देखिएगा तो इसका आकार प्योर नमकीन की तरह रहता है, लेकिन ये मिठाई है, ये मिठाई हवा मिठाई है। तो आप घर के सामग्री से ही आराम से, आपके किसी समय भी आपको खाने का मन हो जाता है तो आप मिठाई बना करके आप इंजॉय कर सकते हैं। इस मिठाई बनाने के बाद आप हफ्ता दो हफ्ता स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट बर्तन में। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मिठाई बनाने के लिए हम मैदा एक बाउल में ले चुके हैं। क्वांटिटी में आते हैं तो लगभग 400 ग्राम के अंदाज है। अगर कप से आते हैं तो इससे दो कप मैदा इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इसको बीच जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा कुआं की तरह। आपको लगता होगा बीच में गड्ढा किस बना, तो इसमें कुछ मटेरियल डालेंगे जो मिठाई हमारा यूनिक और सॉफ्ट बनेगा और खस्तादार बनेगा। तो गड्ढा करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा मोम डालेंगे, मैदा वाजिब मोम बनता है। इस चम्मच से हम लगभग एक चम्मच, अगर वजन में आते हैं तो लगभग 100 ग्राम हम घी डाले हैं। आप अपने अनुसार मोम वनस्पति डालडा से भी बना सकते हैं या फिर बादाम ऑयल से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिठाई में घी अच्छा लगता है तो इसलिए हम घी का मोम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा का काम है फुलाना, खस्ता नहीं करने का, खस्ता करने का खाने वाला सोडा का काम है, इसमें थोड़ा सा फुलेगा। एक चुटकी बेकिंग सोडा डाले हैं। बेकिंग सोडा आप किसी कंपनी का भी डाल सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल आराम से मिल जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा सानेंगे, इसको मिक्स कुछ नहीं करेंगे। हम इसमें जो घी लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा सुसुम दूध डालेंगे, इसको पानी से नहीं सानेंगे, तो ज़्यादा गर्म दूध नहीं देंगे, नॉर्मल दूध जो हमारा हाथ बर्दाश्त हो जाए। तो दूध से क्यों सानेंगे ये भी आपका मन में सवाल आता होगा, तो दूध से हम इसलिए सानेंगे। तो दूध में अगर पूड़ी भी घर पर पकाते हैं तो नॉर्मल दूध से सानी है तो पूड़ी एकदम सॉफ्ट होगा, चिमड़ा नहीं होगा। इसका चिमड़ापन ख़त्म करने के लिए हम इसमें हम सुसुम दूध डाले हैं। तो लगभग एक बार नहीं डालेंगे, एक चम्मच इससे लगभग 100 ग्राम दूध इस्तेमाल किए हैं। अब इसको हम बेकिंग सोडा में जो किया है, देखिए फुला हुआ है, तो इसमें ना नमक ना चीनी कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको अभी सान देंगे हम हल्के हाथ से, इसको हमको मैच करके सान लेना है। इसका एक बड़ा सा डो तैयार करेंगे। तो इस आटा को जो सानना है थोड़ा सा कड़ा सानना है, एकदम सॉफ्ट नहीं सानेंगे। बस इसी तरह से हल्के हाथ से इसको सान लेंगे, जिसमें दूध का थोड़ा सा जो हमारा है बचा हुआ है सारा डूब डाल करके इसको फिर से हम मेट कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको सान लेंगे हम। अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है तो पानी का हल्का, आप इच्छा है तो आपका पानी का छीटा भी डाल सकते हैं। इस कप से लगभग 1.25 कप दूध इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत हल्का हो तो पानी का छीटा देंगे। पानी का छीटा किस प्रकार से देंगे वो भी बता देंगे हम आपको। तो हम थोड़ा सा पानी ले लिए हैं, अब पानी का छीटा थोड़ा सा इस तरह से दे देंगे। और इसको फिर अच्छी तरह से, जैसे आटा गूंथते हैं घर में पूड़ी का, नमकीन का किसी तरह प्रकार से, उसी तरह से हम आटा थोड़ा टाइट सानेंगे। इसको बस ये ध्यान देना है कि लूज नहीं सानना है, टाइट सानना है। थोड़ा सा सानने के बाद फटरा होगा तो उसमें टेंशन लेने का नहीं है। हम जो आपको बताएं, इसको मैदा को थोड़ा टाइट सानेंगे, जो हमारा लूज सानेंगे तो मिठाई तो बनेगा लेकिन जो मज़ा कड़ा मैदा में होता है वो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लिए हैं। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको एक भींगा के सूती कपड़ा से ढाँक के रख देंगे, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। अगर 2-4-10 मिनट ज़्यादा भी हो जाता है, आधा घंटा भी हो जाता है, कोई टेंशन है, लेकिन कम से कम 20 मिनट इसको ढक के रखना है। चाशनी हम इसको पहले से तैयार कर चुके थे, इसको एक बार उबाल दे देते हैं। अगर आप चाशनी बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है चाशनी का कोर्स का, हर तरह का चाशनी बनाना आप जान जाइएगा। हमारा एक बार वीडियो कोर्स देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद हर तरह का चाशनी बनाने में आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ये हमारा चाशनी लगभग खोल रहा है तो इसको हम एक मिनट और पका लेंगे। इसलिए बना हुआ चाशनी था तो थोड़ा सा पानी दिए तो थोड़ा पतला हो जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से गर्मा लेंगे, उबाल दे देंगे, लगभग एक मिनट तक उबलने देंगे। तो ये हमारा चाशनी अच्छी तरीके से उबल चुका है, अब गैस को अब बुता देंगे। तो गैस को हम ऑफ कर दिए और मैदे के जगह पे हम आ जाते हैं। तो चलिए हम मैदा लिए आए हैं, मैदा को अब उखाड़ लेंगे। तो हमारा ये थोड़ा सा भींगा हुआ जो कपड़ा था उसके कारण से ऐसा दाग आ जाता है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। एक स्लिप पे आटा को रखेंगे और इस तरह से हाथ से थोड़ा सा मलाड़ेंगे। देखिए हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो गया, चिकना हो गया होगा, खाई घुल जाने के बाद अच्छा होता है। इस तरह से हम दाब लेंगे और इसको ज़्यादा मलेंगे नहीं, हाथ से ही दाबेंगे। इसको 3 भाग में हम डिवाइड कर लेंगे, लंबा कटेंगे इस तरह से।
बराबर कोई ज़रूरी नहीं, छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम छोटा छोटा इसका गोली बनाएंगे पेरे के नियर। अब इसको सबको साइड कर लेंगे, एक को लेंगे हाथ से इस तरह से मलेंगे और थोड़ा सा हाथ के सहारे से हम लंबा करेंगे। अब छोटा छोटा सबका हम गोली काटेंगे इस साइज में। आप बड़ा छोटा भी अपने अनुसार देख के काट सकते हैं। इस हिसाब से हम एक लंबा जो डोक तैयार किए थे उसका हम गोटी काट लिया। अब इसको करना क्या है, इस तरह से एक गोली लिए हम, इस तरह से हम इसको टिप करेंगे और इसको बेलेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, बीच में ही इस तरह से हम, ना ज़्यादा बड़ा बेलना है इस तरह से हम, और इस तरह से उठा करके हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे दाब देंगे। तो इस तरह से हम एक फोल्ड में फोल्ड मोड़ लिए हैं। अब इस तरह से हम इसको उठाएंगे और इस तरह से फिर हम इसको यूँ यहाँ पे इस तरह से हमको दाब लेना है, जो हमारा तलने समय खुलेगा नहीं, और बीच में बगल साइड नहीं दाबेंगे, बीच में इस तरह से हम बेलन से दाब देंगे हम, बस जो हमारा ये साइड खुला रहे, बीच में बैठा हुआ है। इसी तरह से हम सबको बेल लेंगे। इस तरह से सबको हम बेल लिया और फैला के रख लिया। फैला के रखने का भी एक रीज़न है, किस लिए फैला के रखें, फैला के रखेंगे तो एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा और चिपकेगा नहीं, और दूसरा ये जो ऊपर का पोर्शन जो हवा लगेगा तो सूखेगा, सूखने से तलने समय जो हमारा तेल में डालने के बाद खुलने लगता है, तो कम खुलेगा, खुलेगा कुछ लेकिन कम खुलेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा जैसे हम मछली तैयार करते हैं उसी प्रकार से है। तो अब इसमें हम सबको बेलने के बाद एक काम और बचा हुआ, एक फॉर्क लेंगे। फॉर्क से इस तरह से हम सब में किसी में तीन से चार जैसा हो इस तरह से हम दाग दे देंगे, जो हम इसमें कुछ मीठा कांस डालते हैं जो अच्छी तरीके से, और एक नया डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से सबको हम सब में इस तरह से दाग दे देंगे। तो इस तरह से हम सबको कर लिए हैं। अब इसको तलने का बस समय आया। तो एक कढ़ाई में तेल चढ़ा लेंगे, हाई फ्लेम में थोड़ा सा हम तेल को हीट कर लेते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा है, जो हम चाशनी गर्मा के रख चुके हैं, तो उसमें हम चाशनी को एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। उसमें हम थोड़ा सा आप अपने अनुसार फ्लेवर डाल सकते हैं, तो हम इसमें केसर इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें कि इलायची या रोज एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिठाई में केसर मस्त पड़ता है, तो इसीलिए हम केसर ही इस्तेमाल करेंगे। चाशनी एक बर्तन में खाली कर लिए हम, तो इसमें 10-20 पत्ती हम केसर का डाल देंगे। चाशनी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा गर्म चाशनी नहीं देना है। तो अब थोड़ा देर हम छोड़ देंगे, जितना देर में फ्राई हो रहा है इतना देर में हम उससे पहले हम केसर डाल करके छोड़ देंगे और इसको हिला लेंगे हम, जो हमारा थोड़ा सा केसर का कलर भी छोड़ेगा और फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह से हम मिला लिए हैं, देखते हैं गरम गुनगुना में डालें तो केसर का कलर थोड़ा छोड़ा है। अब हमारा लगभग तेल हो चुका होगा छानने लायक, तो हम देख लेते हैं। तो हम एक ट्राई करते हैं तेल में छोड़ करके हमारा तेल कैसा है। तो अभी फिलहाल हम लो फ्लेम, थोड़ा सा और तेल हीट होगा, थोड़ा सा और हीट करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे। इस तवे में डालेंगे तो हमारा जो फर्क है खुलने का थोड़ा सा चांस ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा और हीट होगा तब हम डालेंगे, तो नहीं के बराबर खुलेगा लेकिन नहीं के बराबर खुलेगा। तो अब हमारा लगभग तेल डालने लायक हो गया। तो अब बारी बारी करके हम 10 से 12 डालेंगे, मतलब 2 से 3 बार में हम इसको सबको तल लेंगे जितना अट जाए। इस प्रकार से हम डालेंगे। जब हमारा ये तेल के ऊपर जब आ जाएगा तो गैस को सिम कर देंगे एकदम स्लो। ये हमारा अंदर तक सिक जाएगा, लमसम देखिए लगभग करीब करीब आ चुका है। तो अब गैस को एकदम स्लो कर लिए, हमारा ऊपर आ चुका है, इसको अभी चलाना वलाना नहीं है। अब इसको जब तक हल्का ब्राउन कलर नहीं हो जाए, थोड़ा सा बादामी कलर, तो इसको 2 से 3 बार हम पलटेंगे। अगर नहीं पलटेंगे तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से हम। और हमारा देखिए उस तरह से तवा डालने के बाद पर खुला, लेकिन पूरा जैसे ये 2 भागों में हो जाता है वैसा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा धीमा तवा डालेंगे तो ये हमारा खुलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम 2 से 3 बार पलट पलट करके एक कलर में हम इसको निकालेंगे। अगर आपको मिठाई खाने का मन होता हो, समय नहीं मिलता है, तो ये बहुत कम समय में घर में रखे हुए सामान से आप इसको हमेशा बना के खा सकते हैं। और एक बार बनाए तो 15-20 दिन के लिए स्टोर करके ये टेट बर्तन में आप इसको रख सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। इस तरह से हमारा देख सकते हैं हल्का कलर छोड़ दिया है, तो इसको और बादामी होने तक इंतज़ार करेंगे। लेकिन ध्यान दें कि ताव को एकदम लो रखना है, और बीच बीच में हम 3 से 4 बार इस तरह से हम पलटेंगे, जो हमारा एक तरह का कलर होगा।
अगर छोड़ देंगे कि एक तरफ से वो हो जाएगा, फिर पलट के हम दूसरे तरफ से कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लाल हो जाएगा, तो दिक्कत होगा। इसी तरह से हम ये हमारा चाशनी में केसर डाले हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है हमारा, थोड़ा गुनगुना गरम चाशनी में डाले थे तो थोड़ा केसर का कलर छोड़ दिया है। अब इसमें जो हम इस मिठाई का नाम बता रहे, हवा मिठाई नाम है इसका, तो आपको लगता है कि हवा मिठाई तो नॉर्मली बंगाल का नमकीन बना दिया है और इसको हवा मिठाई क्यों लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा हम जो मीठा पान खाते हैं हमेशा मार्केट से ला करके, तो उसमें एक मसाला दिया जाता है, उसको हम पेपर मिंट कहते हैं, जो मुंह में जाने वाला हवा हवा लगता है। तो इस मिठाई में ये इसको हम यूज करेंगे। ये दोस्तों ये डालने के बाद ये मिठाई बना के खाने के बाद आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हम सारा तो नहीं डालेंगे, अपने अनुसार इसी चम्मच से हम थोड़ा सा बस लगभग एक चुटकी के अंदाज इसमें हम डाल देंगे और इसको घुला देंगे। इस तरह से हम डालने के बाद एक मिनट तक चलाएंगे, हमारा पेपरमिंट अच्छी तरीके से घुल जाएगा। पेपरमिंट बहुत हल्का होता है, वैसे पानी में बहुत जल्दी गल जाता है, चाशनी में है तो डाल के छोड़ देंगे तो नहीं गलेगा, इसलिए इस तरह से चलाना है। तो अब ये हमारा कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब गैस को मीडियम फ्लेम में करेंगे, लो से अब मीडियम में करेंगे। निकालने समय इस बात को ध्यान देना है, मीडियम फ्लेम में निकालेंगे थोड़ा सा कलर और करेंगे, दिखने में आप खूबसूरत लगेगा। गैस को हम बुता चुके हैं और गैस बुताने के बाद नीचे ऊपर करने के बाद एक छन्नी में जालीदार बर्तन में निकालेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा घी जो है निकल जाएगा। इस तरह से बारी बारी सारा निकाल लेंगे हम, सारा इसमें निकाल लेंगे और हमारा नीचे से देख रहे हैं हल्का हल्का घी टपक रहा है, तो उसको 2 से 3 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा गर्मी जो भी निकल जाएगा और जो एक्स्ट्रा घी जो इसमें आया है वो भी चू जाएगा, और उसके बाद इसको हम चाशनी में डालेंगे। और एक बात आपसे और बीच में से हम शेयर करना चाहते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा जो ये माल बचा हुआ है, तो हमारा तो चाशनी तेल जो अभी हीट है पूरा, इसको जल्दी कैसे करना है, तो एक बर्तन में हम गर्म ठंडा पानी लेंगे और इसमें कढ़ाई को बैठा देंगे। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा तेल डालना चाहते हैं तो बर्बाद होता है, तो इसमें एक्स्ट्रा तेल नहीं देंगे, तो हम इसको कढ़ाई को थोड़ा सा ठंडा पानी में बैठा देंगे 2 मिनट के लिए, तो हमारा तेल नॉर्मल हो जाएगा, सिर्फ फ्राई करेंगे। तो हमारा लगभग 2 मिनट हो चुका है, एक्स्ट्रा गर्मी निकल गया और हमारा तेल पूरा सूख गया, आराम से देख सकते हैं। एक्स्ट्रा गर्मी निकलने के बाद भी गर्म होता है, मैदा का सामान है और घी में तला हुआ तो थोड़ा गर्म होता है, हीट होता है, तुरंत नहीं ठंडा होता है। तो हम चाशनी को देख लेते हैं किस तरह, तो चाशनी में देख लिया हमारा उंगली बर्दाश्त हो रहा है, गुनगुना चाशनी एकदम हीट में नहीं डालेंगे, अगर हीट में डालेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, ये गुब गुब लग लेगा खाने में, खसखस नहीं करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि उंगली हम डालते हैं तो उंगली नॉर्मल एकदम, जैसे बच्चा लोग को दूध पिलाते हैं नॉर्मल वैसा दूध होना चाहिए चाशनी। इसमें हम अब सारा को डाल देंगे, तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं या सारा पलट के भी डाल सकते हैं आप। और इस तरह से हम एक स्पून के सहारे से नीचे ऊपर कर लेंगे, लगभग 30 सेकंड के लिए इसको छोड़ देंगे, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। जो हम छेद किए हैं इस छेद के कारण भी थोड़ा सा चाशनी इसमें टान लेगा। लगभग इस तरह से फिर से हम उसी छन्नी में निकालेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा चाशनी हो चू जाएगा नीचे से, और जो हमारा एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है उसको भी डाल देंगे इसमें हम।